कीजिए टेक्निकल मास्टर चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हो तो आप अपने एंड्रॉयड का एकदम उच्चतम मैक्सिमम अच्छे से यूज़ कैसे कर पाओगे तो इस वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। तो मैं हूँ चिन्मय और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो पहला फीचर है वो है आपके सेटिंग्स में है, एक्चुअली सब सेटिंग्स में ही है। तो फिर आपको अपने अबाउट डिवाइस में जाना है और अबाउट डिवाइस में से सॉफ्टवेयर इन्फो में, आपको सॉफ्टवेयर इन्फो में बिल्ड नंबर पे टोटल 7 बार क्लिक करना है, जेने के आपका जो डेवलपर मोड है वो ऑन हो जाएगा, यानी कि डेवलपर ऑप्शन, उसमें ही सब फीचर्स है एंड्रॉयड के छुपे हुए जो किसको पता नहीं चलता है। हालांकि अभी जाना है अपने डेवलपर ऑप्शंस में। अभी जो मैं ये जो मैं 2-3 यूज़ करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड का फील मिलता है, मतलब एंड्रॉयड भी अच्छा काम करता है ऐसा लगता है मुझे। तो जो पहला है वो है ये शो टचेस। अभी मैं जो ये टचेस कर रहा हूँ स्क्रीन के, वो आपको वाइट एक बलून से दिख रहा है, ओके। तो फिर अगर मैं डिजेबल कर देता हूँ तो देखिए कोई भी आपको टचेस दिखेगा नहीं, कि क्योंकि वो उससे ही काम करता है। तो फिर दोस्तों जो अगला है वो है शो पॉइंटर लोकेशन। ये पॉइंटर लोकेशन बताएगा कि आपने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया। अभी देखो मैं यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता हूँ तो ये देखिए दिखाने लगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता हूँ ये देखिए दिखाने लगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करता हूँ देखिए दिखाने लगा, ये ऐसा काम करता है। उसके बाद जो अगला है वो है, अभी मैं बंद कर देता हूँ ख़राब लगा, अगला है जो ये है शो स्क्रीन अपडेट। ये देखिए जब भी कौन सा भी ऐप आपके मेन थ्रेड पे काम करता है, मतलब आपके मेन विंडो पे काम करता है, तभी स्क्रीन फ्लैश होगा, आपको अलर्ट करेगा देखो कुछ तो काम कर रहा है मेन थ्रेड पे। अगला जो है वो है ये फोर्स अल्टियर लेआउट। ये एक्चुअली काम क्या करता है, ये लेफ्टिस के लिए है, ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे कर पढ़ पा रहे होंगे, फोर्सेस द स्क्रीन टू बी लेड आउट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन ऑल लोकेशंस। मतलब ये अगर मैं ओपन करता हूँ तो देखिए लेफ्ट में आ जाएगा सब कुछ, सब लेफ्ट में आ गए जो भी डिजेबल ऑनेबल स्विच रहते हैं वो, ये काम करेगा। और ये जो है ना ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ये तीन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। ये जो तीन दिख रहे हैं आपको, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और विंडो एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, ये मुझे सच में अच्छे लगते हैं। ये है क्या बेसिकली, ये आपके जो एप्लीकेशंस रहते हैं ना फ़ोन में जो एकदम ऐसे उछल के बाहर आते हैं, अभी समझो ये 10 पे सेट करोगे ना तो आपका एप्लीकेशन एकदम धीरे से ओपन होके आएगा। एक्चुअली मैं आपको सजेस्ट करूँगा ये 0.5 पे रखिए, नॉर्मली 1 पे रहता है तो अच्छे से एप्लीकेशन आता है, ये अगर आप 0.5 पे क्लिक करोगे तो आपका जो बैटरी रहता है वो कम से कम कंज्यूम्ड होगा और वो अच्छे से वर्क करेगा। और जो अगला है वो है ये GPU रेंडरिंग। तो ये है कि आप ये अगर एनेबल कर दो तो फिर आप जो 2D गेम्स खेलते हो उनके लिए ये अच्छे से जो काम करेगा ये 2D। और फिर मैं ये डिजेबल करके रख देता हूँ क्योंकि मैं गेम नहीं खेलता ज़्यादा फ़ोन पे। और जो अगला है वो है एनेबल 4XMSAA। तो ये काम क्या करता है कि जब भी आप 3D गेम खेलते हो तो तभी ये अपना जो गेमिंग एक्सपीरियंस है उसको बूस्ट कर देगा ज़रा सा। तो फिर ये भी ऑफ रहने देता हूँ, ये एनेबल करने का काम। तो फिर जो अगला है वो है ये सिम्युलेट कलर स्पेस। अगर इसमें से आपको जो चाहिए वो आप ले लीजिए और वैसा आपका ये फ़ोन बन जाएगा। ये देखिए मोनोक्रोमी पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये ब्लैक एंड वाइट हो गया। अभी मैं फिर से अंदर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ ब्लू एंड येल्लो पे, ये देखिए थोड़ा सा ब्लू एंड येल्लो का मिक्सचर बन गया। ये अपने जो थीम्स रहते हैं वो चेंज करेगा, एक्चुअली ये सब अच्छे से काम करते हैं, पर मैं ये एक्चुअली मुझे पता नहीं था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं इसे डिजेबल करके रख देता। अगला जो है वो है ये लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेसेस। इसका जो है वो आपके जो बैकग्राउंड में प्रोसेस करते रहते जो एप्लीकेशंस, जैसे कि अभी है अभी आप कौन सी तो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो फिर वो फाइल डाउनलोडिंग पे रख दिया और आप गेम खेल रहे हैं,
इसमें क्या रहता है, एक्चुअली फ़ोन में दो प्रोसेस हो रहे हैं, आप समझ रहे हो, दो प्रोसेस हो रहे हैं, आप गेम भी खेल रहे हो और फाइल कुछ से डाउनलोड भी हो रहे हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड लिमिट पे रखिए। आपको चाहिए तो आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस भी क्लिक कर सकते हैं, पर इसका आपके बैटरी कंजम्पशन अच्छा रहेगा, इसका मतलब बैटरी ज़्यादा कंजम रहेगा। तो दोस्तों ये कुछ थे अच्छे खासे, तो फिर अगर वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर और शेयर और लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए, ताकि आपको नई टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए मिलेगी सबसे पहले। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।